ओम नमस्कार बंधु, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। बंधु, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप किन्हीं दो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में मनमुटाव करा सकते हैं यदि वो आपको मिलकर परेशान कर रहे हैं, और आपके सिर्फ आपको ही नहीं, आपके घर परिवार में भी सभी को परेशान करके रखा हुआ है। तो आप उसके लिए ये उपाय करिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाती है, परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है घर में कि तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। सामने वाले का पक्ष इतना ज़्यादा, यानी कि पलड़ा इतना भारी हो जाता है कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो कम से कम हम उपाय तो कर ही सकते हैं, ताकि जो उसका जो भी वो हमको परेशान कर रहा है, जिस तरीके से वो सारे मिलके हमको परेशान कर रहे हैं, उनके बीच में यदि मनमुटाव लड़ाई करवा दी जाए तो वो आपस में ही इतना लड़ भिड़ेंगे कि आपको परेशान ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको ये उपाय बताया जाएगा जो हम बता रहे हैं, और यदि आप उनमें से किसी एक व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध चाहते हैं, वापस पाना चाहते हैं, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इसमें क्या क्या करना होगा वो हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए, कागज लेना है पहले आपको, एक दिखाया आपको कागज, इस कागज के ठीक बीच में आपको सिंदूर को गीला करके, थोड़ा सा गीला करके आपको ये उपाय करना है। चकोर बनाना है कागज के बीच में, साफ सुथरा कागज लेना है आपको, ध्यान रखना है, ये ना हो कि ऐसे ही कहीं से भी उठाया फटा पुराना सा कागज और उपाय करना शुरू कर दिया। कागज का ध्यान रखना है, साफ सुथरा कागज हो, कहीं से फटा ना हो। अब इसको करने के बाद एक डंडी सीधी, दो डंडी सीधी, तीन डंडियां सीधी, उंगली से ही करना है आपको, और इसमें कांटे का निशान, यहाँ पे दो डंडियां और यहाँ पे सिर्फ एक डंडी सीधी बना लेनी है। ऐसा बनाने के बाद आपको इसी उंगली से दोनों व्यक्तियों की तस्वीर भी बनानी है। जैसे भी आप बना सकें आप बना दीजिए, जैसा भी आपको बनना बना जाए अपने हाथ से वैसे आप बना दीजिएगा। बस उनके बारे में सोचते हुए, एक आकृति सी बनानी है यहाँ की, ये इंसान की तस्वीर बना रहे हैं आप, तो उनके बारे में सोचते रहिए। एक आकृति सी बना दीजिए, इसमें आपको हाथ पैर और ऐसे बना देना है, बस जैसे भी आप बना सकें बना दीजिएगा। दोनों का बनाना है तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पूरा का पूरा उपाय सिंदूर से ही करना है आपको, यानी कि ये यंत्र जो बनाना है ये भी और तस्वीर भी, पेन का इस्तेमाल नहीं करना है इसमें। तो यदि समय लग जाता है तो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि सिंदूर से बनाना थोड़ा आपको मुश्किलात आएंगी इसमें, मगर बन जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने ऐसे ही बस आकृति सी बनानी है कि हाँ किसी इंसान की तस्वीर बनाई जा रही है। ये उपाय आप रविवार को करना है आपको, और फिर आपको एक पात्र लेना है जिसका ढक्कन हो, उसके अंदर आपको रविवार को ये उपाय आप दिन के 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच में कर लेना है। अब इसको आप ऐसे रखें कि यंत्र दिखाई दे, ऐसे आपको इसमें रखना है पात्र के अंदर कि यंत्र दिखाई दे, इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है कि ऊपर से कब जब भी खुले ये यंत्र दिखाई दे रहा हो ऐसे, और इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद आप ये थैला देख रहे हैं नीचे, इस थैले के अंदर इसको रख देना है। मान लीजिए आपने रविवार को 4 बजे कराई है, अब इस थैले के अंदर रख के इसको आप घर के बाहर, यानी कि जो घर में आंगन है अगर, तो वहाँ पे बालकोनी है तो बालकोनी में, और यदि छत है तो छत पे, दीवार पे कहीं इसको यूँ टांग देना है आपको। ये देख रहे हैं यहाँ पे टांगने का, तो कील पे जाके इसको टांग दीजिएगा दीवार पे, यानी कि नीचे जमीन पे नहीं रखना है। फिर जब सोमवार आएगा, सोमवार को आप बाहर निकालेंगे, थैला खोलेंगे और इसको बाहर निकालेंगे, और इसके अंदर
एक मिर्च दिख रही है आपको, वो उसके अंदर आप डाल देंगे, फिर इसको बंद कर देंगे, सोमवार हो जाएगा। और फिर इसके अंदर थैले के अंदर डाल के वापस उसी कील पे जाके टांग देंगे, फिर इसको निकालेंगे, मंगलवार को भी ऐसे डालेंगे इसके अंदर, फिर बंद करेंगे, फिर थैले में टांग देंगे, फिर बुधवार को भी करेंगे ऐसे ही बंद करेंगे, बृहस्पतिवार को भी करेंगे ऐसे ही बंद करेंगे, और फिर शुक्रवार को भी यूं बंद करेंगे और इसको टांग देंगे। फिर शुक्रवार को रात को ही आपको 9 बजे के बाद थैला समेत, अब आपको उसको नहीं खोलना है, जैसा कि हमने कहा था, अगर आप इसको किसी एक व्यक्ति के साथ आप अच्छा संबंध चाहते हैं तो आप कुछ भी मीठी चीज़ इसके अंदर डाल सकते हैं, जैसे कि चीनी डाल दिया, या इलायची दाना डाल दिया, या गुड़ डाल दिया, जो भी आपको सही लगे, इलायची दाना देख लीजिए ऐसा होता है, इसको भी आप डाल सकते हैं उस व्यक्ति के बारे में सोचते हुए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब रात को 9 बजे के बाद कभी भी ये थैले समेत आप पात्र को अंदर ही रहने देंगे, यंत्र को अंदर रहने देंगे, मिर्चियों को अंदर रहने देंगे, और इस पूरे थैले को लेकर जाएंगे, इसको सुनसान जगह पर छोड़कर आ जाएंगे, थैले को अब कहीं टांगना नहीं है, ना ही कहीं गाड़ना है, छोड़कर आ जाना है थैले समेत, सुनसान जगह हो, ऐसी जगह ना हो कि कोई आपको देख रहा हो, या कोई, अगर कई लोग कहते हैं कि अगर कोई हमें ऐसी जगह नहीं मिल पाती है कि सुनसान जगह हो, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें आप जहाँ पर अधिकतर कचरा फेंका जाता है उसके वहाँ पे आप फेंक दीजिए, कचरा कूड़ा कबाड़ा फेंका जाता है, और जब आप फेंक रहे हो तो दिमाग में बस यही सोचना है कि ये व्यक्ति दोनों आपस में लड़ भिड़े एक दूसरे से, दो हों या जितने भी हों, मतलब जो जो आप चाहते हैं कि आपस में लड़ भिड़े, और एक यदि आप इनमें से किसी एक व्यक्ति को वापस पाना चाहते हैं तो वो आपने दिमाग में सोचना है, ये उपाय करते समय। शुक्रवार को खत्म हो जाएगा ये उपाय, रविवार को शुरू होगा, तो ऐसे आपको उपाय करना है। और यदि आपके ग्रह नक्षत्र इस उपाय के साथ सटीक बैठ गए तो आपको निश्चित तौर पे 15 दिनों के अंदर अंदर ऐसा लाभ मिलेगा कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। यदि आप अपने ग्रह नक्षत्र के अनुसार उपाय करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, यानी कि टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है, उस पे आप आइएगा, प्राइवेसी का उसमें पूरा ध्यान दिया गया है, आपका नंबर किसी के शेयर नहीं होगा और ना ही आप किसी का नंबर देख पाएंगे, तो उस पे पूरा प्राइवेसी का ध्यान दिया जाएगा, और हम आपसे, आप किसी भी दिन मैसेज करके आपसे आपकी व्यक्तिगत समस्या के बारे में पूछेंगे, और आप फिर हमको बताएंगे कि ऐसी ऐसी समस्या चल रही है, फिर हम उसके मुताबिक ही आपको उत्तर देंगे, ताकि आप अपने ग्रह नक्षत्र के अनुसार उपाय कर सकें। तो बंधुओं, यहाँ तक वीडियो देखा आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य समस्या के उपाय के साथ, और यहाँ तक चैनल, अगर आपने वीडियो देखा है, अगर आपने यहाँ तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। यहाँ तक वीडियो देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।